आप अपने आसपास देखना, जितने भी लोग आपसे मिलते जुलते होंगे सब यही भगवान से प्रे करते होंगे कि मैं और मेरा परिवार और जो भी उनके इर्द गिर्द जानने वाले लोग हैं वो सुख में रहें, सुख शांति में रहें। कोई आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि सारा दुख मुझे दे दो, बाकी जो भी सुख शांति है वो दूसरे को दे दो, लेकिन सब मांगते ही मांगते हैं। आज मैं बात करूँगा ये दुख स्टार्ट कैसे होता है, कुछ पंक्तियाँ भी आपके साथ में शेयर करूँगा। वो पंक्तियाँ मोटिवेशनल हैं, मैंने चुराई हैं कह सकता हूँ अगर मैं हंस के या मजाक में कहूँ, क्योंकि वो पंक्तियाँ मेरी नहीं है, दूसरे की है, लेकिन उन पंक्तियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक एक लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको बहुत गहराई से समझें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि उन पंक्तियों की स्टार्ट इस तरह से है कुछ, तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा, हर सौदे में तुम्हें फ़ायदा भी नहीं होगा, ना ही हर राह की जो रोशनी है वो तुम्हें एक अच्छी तरफ लेकर जाएगी, यानी कि कोई रास्ता है वो उसकी जो रोशनी है या उसकी तरफ जो जाओगे वो अच्छी तरह नहीं जाएगा। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर लहर तुम्हें नाव की तरफ लेकर जाएगी। आप बैठ गए नाव में और आपको लग रहा है कि लहर चल रही है और आपको उतर जाएगा, मगर तुम्हें फैसले तो लेने होंगे, लोगों का साथ तो चुनना होगा, लहरों में उतरना होगा, क्योंकि ज़िंदगी किनारे पर खड़े होकर बस दूसरे की कहानी को देखकर या उसका गुणगान करने का नाम नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच कर चल रहे हो कि ये काम मुझे इस तरह से स्टार्ट करना है। मैं भी सोचता हूँ कई बार कि मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट करना था, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं है। अभी मुझे कहीं ट्रिप पर जाना था, लेकिन वो मेरी ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके आगे प्रकृति की कुछ घटनाएं सामने आ गई, जैसे सडनली आइस पड़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो अगर मैं सोच के देखूँ कि मेरा उसने कुछ ऐसा कर दिया कि जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस कहानी को बाद में आपको और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा कि क्या हुआ, मुझे जाना कहाँ था और मैं कहाँ आया और मेरे साथ में क्या हो गया। लेकिन बस इस एग्जाम्पल के साथ में ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन होनी है, क्योंकि वो नेचर का नियम है, और जो हम चाहते हैं वो अक्सर सही हो ऐसा सिर्फ हमारा मानना है, नेचर का बिल्कुल भी नहीं। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो या ऑडियो या जो भी पंक्तियाँ वो आपको सही लगे तो दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।